Assalamu alaikum and welcome to our show Dr. Guria's Take and I'm your host Dr. Guria. आज बहुत दिन के बाद आपसे दोबारा बात हो रही है. कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से पिछले 3-4 महीनों से मैं कोई रिव्यू नहीं कर सकी, कोई वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन इंशाल्लाह आई एम बैक नाउ एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलरली अपलोड करती रहूँगी अपनी वीडियोज भी और अपने टेक्स भी on different issues and different dramas. इतने ऐसे के बाद आज अचानक से मैंने वीडियो क्यों बनाई, बनाने का मकसद क्या है, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे. रीज़न ये था कि मैं ड्रामे देख रही थी कंसिस्टेंटली थ्रू आउट. अभी जितने भी ड्रामे अभी आ रहे हैं उनमें से काफ़ी देख रही हूँ मैं, जिनके इंशाल्लाह रिव्यूज़ हम आगे करेंगे. लेकिन एक ड्रामा स्पेशली है जिसका नाम है लापता और जो हम टीवी से चल रहा है. आई थिंक इनको खिजर इदरीस ने लिखा और डायरेक्ट किया है. उसकी मैंने कल एपिसोड एक देखी जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई कि मैं आज आऊं और आके आप लोगों से बात करूं. उसमें एक सीन था जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है वो कल से. हर जगह मैं देख रही हूँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर तरफ जो है वो उसकी बहुत वाह वाह हो रही है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातें हो रही हैं. तो मैंने सोचा कि इस मौजू के ऊपर मैं अपनी 2 सेंट्स भी डाल दूँ. अच्छा, सीन क्या था? वो सीन कुछ ऐसा था कि फलक जो आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं. मैं भी थोड़ा सा प्लस माइनस ऑफ एंड ऑन करके देखती हूँ. लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा बैक स्टोरी ये है कि 2-3 कैरेक्टर्स हैं. एक जो हीरोइन है वो फलक हैं, वो बैडमिंटन प्लेयर हैं और उसके साथ बड़ी एक एम्बिशियस सी खातून हैं और उनकी अपेरेंटली जो है इंगेजमेंट होती है पहले अपने कज़न के साथ जिनका नाम शम्स है. तो वो फॉर सम रीज़न गैम्बलिंग वगैरह की वजह से वो पुलिस को पकड़ के ले जाती है और अब जो है वो उनकी एब्सेंस में फलक की लाइफ में एक और नए साहब एंट्री देते हैं जिनका नाम दानियाल है, जो उनके साथ उनके ऑफिस में काम करते हैं. और उसके बाद करते करते बहरहाल बात शादी तक पहुंच जाती है. अब ये जो दानियाल साहब का कैरेक्टर है हु विच इज़ बीन प्लेड बाय मिर्ज़ा गौहर रशीद, तो ये जो कैरेक्टर है इसको उन्होंने शुरू से बहुत शेडी दिखाया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि जी वो बहुत साइकोटिक है, बहुत पैरानॉइड है, बहुत उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, साथ साथ उसकी साइकोथेरेपी भी चल रही है, सेशंस भी ले रहा है वो, और ही इज़ अ कम्प्लीट साइकोपैथ जिसको हम कहते हैं. टू द एक्सटेंड के एक वक्त में शायद फलक से किसी ने छेड़खानी की तो ये वापस जाके उनके पास एक गन मौजूद होती है और वो जाके उसको शूट कर देते हैं. और ये बात भी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जी अपेरेंटली जो उनकी ये दूसरी वाइफ हैं फलक जो हैं विच इज़ बीन प्लेड बाय सारा खान, और ये इनकी दूसरी वाइफ हैं जो इनकी फर्स्ट वाइफ हैं उनको भी इन्होंने शायद मर्डर किया है. बट दैट्स टू बी सीन. मगर ये बात उन्होंने बताई है और ये बात जो है अब शादी के बाद फलक को भी किसी ने उड़ती उड़ती उन्होंने ये भी बात सुनी कि इनको जो है वो इनकी अपेरेंटली फर्स्ट वाइफ भी थी और उनका उनको डाल दिया था. बट शी डजंट बिलीव देम ऑब्वियसली. मशरक़ की ख़वातीन एकदम से अगर कुछ ऐसी बात सुनती हैं तो हम फौरन तो हम इस बात को बिलीव नहीं करते. मगर एक चीज़ जो उनके साथ को बहुत सीवियर किस्म के मेंटल इशूज़ हैं, एंगर इशूज़ हैं, जो उसके साथ कॉन्स्टेंटली दिखाता रहा है. तो ये जो चीज़ें थी ये अपनी जगह पे थी. अब जो इन्होंने जो सीन दिखाया था वो कुछ इस तरह का था कि एक्स फियांसी के बारे में कुछ पता चलता है या वो उसकी तस्वीर देख लेता है उसकी डायरी में एंड देन ही गेट्स रियली रियली अपसेट और जो है वो फलक से कन्फ्रंट उसको करता है और उसके बाद उसको जो है वो हिट्स हर, स्लैप्स हर ऑन द फेस. रिस्पॉन्स में इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड फलक का क्या रिस्पॉन्स होता है, दैट शी स्लैप्स हिम बैक. और उसके बाद जो है वो सीन वहाँ पे कट हो जाता है. दूसरी तरफ ये दिखा रहे होते हैं कि जी वो जो मेड इनकी एक होती है जो इसको पहले पता होता है वो बाहर बैठी हुई रो रही है, दुआ कर रही है कि अल्लाह मियाँ साहब जी मैं साहब जी फिर कुछ इसके साथ ऐसा ना कर दें, मैं दूसरी कोई लाश नहीं उठा सकती इस घर से दोबारा. एंड देन लाइक वी कट बैक टू द ओरिजिनल सीन वेयर वी आर सीन कि जी वो फलक और जो है शम्स जो है वो आपस में दानियाल जो इनके हस्बैंड हैं तो फलक और दानियाल जो हैं वो आपस में बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, वो अपोलोजाइज कर रही हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं और फिर वो आपस में जो है वो जो है इनकी आपस में नॉर्मल कन्वर्सेशन होने शुरू हुई.
मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है, बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, हैंडल भी किए हैं, साइकोटिक मरीजों के, नॉर्मल मरीजों के, नॉर्मल इन द सेंस के डिप्रेशन के मरीज हों या इस तरह के हों, साइकोटिक भी हों। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी इट्स नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स नॉट अबाउट एनी डोमेस्टिक अब्यूज, इट्स नॉट अबाउट एनी वायलेंस और एनी थिंग। माई जस्ट अ स्मॉल टेक ऑन माई बिहाफ, जो मैं अब जो हमारी यंगर जनरेशन है जो ये प्रॉबेबली देख रही होगी, मेरी वीडियो अगर देख रही है, उनसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट मैंने करनी है कि अगर इफ गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू यू, अगर कभी किसी टाइम के ऊपर आपके साथ ये सिचुएशन होती है कि कोई आपको इस तरह से मारता है घर के अंदर, जहां एक सिर्फ आप हैं और वो हैं, कोई और बाहर लोग नहीं हैं, पहला रिएक्शन आपका होना चाहिए गो टू सम सेफ प्लेस, लीव दैट प्लेस, गो समवेयर विच इज सेफ फॉर यू, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वायलेंस के जवाब में वायलेंस कभी भी नहीं करें, बिकॉज वो उससे वो सिचुएशन इतनी एग्रीवेट हो जाएगी कि वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी और फिर वो कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे समझ नहीं आती है टीवी पे इस तरह की चीज़ें क्यों दिखाते हैं जिससे खुदा ना करे कल जाके किसी के भी घर में बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बहुत बड़ा मसला बन सकता है, इवन टू द पॉइंट कि वो बंदा जो है, वो जो उन्होंने दिखाया है, उसके पास गन है, यू नो ही कैन गो एंड किल समबडी, उसी को मार सकता है। ये सब नहीं दिखाना चाहिए, ये वो टॉपिक नहीं था, ये वो सीन नहीं था जिसमें इनको वुमेन एम्पावरमेंट को इसमें यहाँ पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप एक पागल आदमी के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको अपनी ईगो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखानी होती, आपको सिर्फ ये करना है कि अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उस सिनेरियो से निकलना है। उसके बाद बैठ के सोचें, बाद में आप डिवोर्स दे दें, चार गुंडों को ले आए, इनकी पिटाई करवाएं, कुछ भी करें, बट उस वक्त अपने आप को संभालें, निकालें उस सिचुएशन से, सिनेरियो से, बजाय इसके कि आप उल्टा मारपीट करने बैठ जाएं। बहुत रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। आई वॉन्टेड टू जस्ट टेक इट आउट, आके आप लोगों के सामने ये बात करना चाह रही थी कि प्लीज गलत मैसेजेस नहीं लें। अगर खुदा ना करे कल कलां को ऐसी कोई सिचुएशन होती है, खुद को प्रोटेक्ट करें, उस सिचुएशन से बाहर निकलें, थिंक अबाउट इट एंड देन रिएक्ट वॉट एवर वे यू हैव टू रिएक्ट। आई एम नॉट सेइंग कंटिन्यू विद दिस अब्यूसिव रिलेशनशिप, आई एम नॉट सेइंग कंटिन्यू विद दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट एट दैट टाइम व्हेन देयर इज एन एक्शन, डोंट गिव अ रिएक्शन टू इट। That is the most lethal thing that you can do. Don't ever give a reaction. Okay? Stay calm. Stay normal. आप calm down करें, खुद को भी calm down करें, सामने वाले को भी calm down करें, situation को de-escalate करें, बजाय इसके के मारने पीटने के बाद इसको escalate करें। अगर वो बंदा, उसके पास gun है घर में, already वो मार चुका है, वो gun निकालेगा, मार देगा, ठीक है? तो please don't take wrong messages. And I would request Hum TV also and you know all the people out there जो कि जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है, जिन्होंने ये ड्रामा बनाया है, बिकॉज मैं हर जगह देख रही हूँ लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, नहीं है अच्छी बात, ये गलत बात है, गलत बात को गलत कहना सीखें प्लीज़। आप सीनियर लोग हैं, आपका उम्र का तजुर्बा है, अपने यंगस्टर्स को, अपने छोटों को गलत रास्ते पर मत लेके जाएं, उनको गलत मशवरे मत दें। तो प्लीज खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ करे, लेकिन वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर नूर मुकदम, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो प्लीज इस तरह के सिनेरियोस में अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू से इन दिस। और इंशाल्लाह रिव्यू हम फिर कभी करेंगे, फिर दोबारा आई थिंक आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक एंड हम फिर उसको रिव्यू करेंगे और फिर हम देखेंगे बाकी ड्रामास में, बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे और उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के सिर्फ यही टॉपिक था एंड आई थिंक के आई एम होपिंग कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप मेरी इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगे और उसको समझेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच।